सो लेडीज एंड जेंटल्समैन, बॉयज एंड गर्ल्स, भाई और उनकी बहनों, तो यार ऐ साला नमस्कार देवी और उनकी सजनों। तो यार आज तुम्हारे लिए, मेरे पास तुम लोगों के लिए अनबिलीवेबल चीज़ है। काफ़ी लोग गेम प्ले खेल रहे हैं, इवन भाई लोग का अड्डा भी गेम खेल रहा है। इस गेम का नाम है पोकेमॉन ज़ेनोवर्स। मैं सोचा था पहले पोकेमॉन फायर एश का, ये मेरा फर्स्ट RGXP गेम होने जा रहा है। काफ़ी मुश्किल की हुआ, पर पोके इंडियन को भी मैं 95% थैंक्स बोलूँगा, 90% थैंक्स बोलूँगा, या मैं थैंक्स 90% मैं उसको थैंक्स एक्चुअली बोलना चाहूँगा। उसके ट्यूटोरियल की वजह से मैं ये गेम डाउनलोड कर पाया। और अच्छा, पर ये स्क्रीन में मेरे को ना ओपन, मेरे मोबाइल में ऐसा बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो आप उसको हेट मत देना कमेंट में। और उसके चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे ये गेम जो है ना भाई, बहुत बाप है लेवल का गेम है ये। और सेकंड, ये मेरे को किसी, मैंने एक फॉरेन यूट्यूबर का देखा था, उसने पूरा सेटिंग्स का चेंज करवाया, तो उस सेटिंग्स की वजह से मैं गेम खेल पा रहा हूँ। उसके भी चैनल के लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जाओ उन दोनों को सब्सक्राइब कर दो, पोके इंडियन को भी और वो फॉरेन यूट्यूबर को भी। तो बिना कोई बकबक के लेट्स स्टार्ट द गेम। तो इटालियो या इंग्लिश? ऑफकोर्स इटालियो, इंग्लिश सॉरी, या वीडल। ओके, इसकी थीम सुनना तुम लोग, बहुत मस्त है। या ओके, और सॉरी हट जा बॉय। ओके गाइस, सो यहाँ पे आ गया है ज़ेनोवर्स। और अगर बैकग्राउंड में कुछ भी ईज प्रॉब्लम आ रहा होगा तो माफ़ कर दें, यहाँ पे एम्बुलेंस आती जाती रहती है। तो आज हम लोग अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं पोकेमॉन ज़ेनोवर्स, और यह है हमारा पहला एपिसोड। तो यार कितना मज़ेदार फीलिंग आ रहा है, तो यार ऐ साला क्या बात। चीयर अप, सो सी न्यू गेम ऑफ कोर्स, और क्लासिक मोड की मॉडर्न मोड। ओनली द पोकेमॉन दैट पार्टिसिपेट इन द बैटल गेन एक्सपीरियंस पॉइंट। इफ यू वांट टू मोर चैलेंज गेमिंग एक्सपीरियंस, क्लासिक मोड इज व्हाट यू नीड। एक्सपीरियंस पॉइंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पोकेमॉन इन द पार्टी। इफ यू वांट ईजियर गेम प्ले एक्सपीरियंस, मॉडर्न मोड इज द परफेक्ट चॉइस। और एक इसमें क्या है, ओनली द पोकेमॉन दैट पार्टिसिपेट इन द बैटल गेन एक्सपीरियंस। भाई मैं ऑफकोर्स मॉडर्न मोड के साथ जाऊँगा, क्योंकि एक अच्छा है ये, क्योंकि इससे पूरे पार्टी पोकेमॉन को एक्सपीरियंस मिलेगा ना। मैं यार यहाँ पे और कई, और मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता। ओके सर, आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे नर्स जॉन ही है क्या? मुझे जरा बताओ, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, प्लीज मुझे फॉलो करिए। ओके लेट्स गो ईस्ट गर्ल्स। हेलो सर, हम यहाँ पे आ चुके हैं, क्या हम आप हमारे साथ कुछ गेम खेलना चाहेंगे? क्या आप गेस कर सकते हैं? मैं यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है। क्या आप गेस कर सकते कि आपके पास एक बेबी हुआ है, क्या आपको क्या लगता है, बॉय होगा या गर्ल? लेट मी थिंक, ऑफ कोर्स आई एम बॉय। एक गेम को बहुत अच्छा डेवलप किया है, यू आर अ बॉय और गर्ल, आई एम अ बॉय बॉयज। पर यार इसमें समझ नहीं आ रहा बॉय कौन है गर्ल कौन है, आई गेस ये बॉय होगा। मैं यकीन करता हूँ ये एक लड़का होगा। कांग्रेचुलेशंस सर, आपने सही गेस किया है, आपको एक बहुत सुंदर लड़का हुआ है। ओके मेरे साथ आइए। ओके सो लेट्स सी सर, पर सर मैं अब ये सब आप दोनों पे छोड़ती हूँ कुछ समय के लिए। ओके तो अब मुझे और मेरी बीवी को अकेले में बात करने दो। तो हमें कैसा लग रहा है अपने बच्चे को देखकर? तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी दिख रही है। ओके सो हम इसे क्या नाम दें? क्या हम इसे एक लवली नाम दें? या तो मैं अपना नाम ऑफ कोर्स रखूंगा DSOS, नॉट दिस, ओ यहाँ पे होता नहीं कोई, नहीं जी DSG, क्योंकि हमारे फैमिली का नाम भी वही है। और मेरे को 2 मिनट देना, यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा होगा। तो यार भाई और उनकी बहनों बोलो मत, नाम चेंज करने में कितना प्रॉब्लम आया मैं जान रहा हूँ। थोड़ी बहुत मेरे से प्रॉब्लम होता है, और ये गेम RGXP मैं पहली बार खेल रहा हूँ ये गेम्स, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, तो थोड़ा तुम लोग इग्नोर कर लेना। हमारे ना लड़के का नाम दिव्यांश कैसा होगा? दिव्यांश, ये काफ़ी अच्छा नाम लगता है, काफ़ी फैंटास्टिक नाम है, मैं जानता था ये हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। कुछ समय बीत गया और दिव्यांश बड़ा हो चुका है, अब वो एक जॉयफुल फैमिली में रह रहा है, अभी भी रह रहा है ऐसा नहीं है, 5 साल बाद। ओ दिव्यांश उठ जाओ, मैं और तुम्हारी मम्मी तुमसे बात करना चाहते हैं।
ओ तो तुम सोच चुके हो कि तुम हम सोच चुके कि अब हम तुम्हें ये दुनिया दिखाएंगे। तो आज से तुम नोवा रेंज के टूर पे जाओगे। चलो बच्चे चलते हैं। प्लीज बी केयरफुल। अरे बाप रे, इसकी मम्मी इतनी सुंदर कैसे बन गई? मैं भी शौक में हूँ भाई, मजाक कर रहा था। चलो फिर लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, नोवा रेंज अ न्यू प्लेस, कम ऑन। चलो दिव्यांश चलते हैं हम लोग। तो ओके, तो ये अब हमें कहाँ लेकर जा रहा है बच्चा, मतलब हमारे पापा? तो यहाँ पे चलो, ये रास्ते से यहाँ पे हमारा फार्म हाउस है। फार्म है, अच्छा हाउस नहीं, फार्म है, मतलब खेती बाड़ी, यही उसको फार्म। क्या तुम इन ग्रेजिंग पोकेमोन को यहाँ देख सकते हो? हम इन्हें मिल्क टैंक कहते हैं और ये हमें एक डिलीशियस मोमो मिल्क प्रोवाइड करते हैं। हर शाम हमें कुछ नया, कुछ हमें बॉर्न करने को मिलता है। मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाना चाहता था, आओ मुझे फॉलो करो। इस पानी, ये जो पानी है इस पॉन्ड में, ये बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ है। ये तुम्हारे अंदर की सारी टेंशन को मिटा देता है। क्या तुम क्या सोचते हो मेरे बच्चे? ओके, अभी के लिए अच्छा है, बेटर राइट? हाँ कम ऑन। चलो मैं तुम्हें एक आखिरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये तुम्हारी कुछ छोटी सी यादें हैं दिव्यांश, तुम्हारे छोटे बचपन की यादें हैं दिव्यांश। मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर को ऑनर देना चाहूँगा जो हमें कुछ साल पहले ही छोड़ के चली गई। तुम उस समय काफ़ी छोटे थे, वो तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। अब चलो हम लोग घर चलते हैं। एक गेम का ग्राफिक बाप है भाई, मुझे अच्छे लगे इस गेम के ग्राफिक, मुझे डिसेंट गेम है। वो क्या था? ये क्या है? ओह सॉरी गाइस, तुम लोगों ने देखा क्या, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था। ओह ये पोकीबॉल्स, ये यहाँ पे किसने छोड़ दिए? दिव्यांश इन सब से दूर रहना, मैं चेक करता हूँ। ये कुछ ग्रास टाइप और फायर टाइप और वाटर टाइप पोकेमोन कंटेन करता है। ठीक है दिव्यांश, तुम इनमें से कोई एक पोकेमोन उठा लो। अरे पापा मैं काफ़ी बुढ़ा हो चुका हूँ ये सब चीज़ करने के लिए, अब जाओ और अपना पोकेमोन चुन लो। ओ भाई साहब क्या ग्राफिक है भाई। गाइस एक मिनट, मेरे को ये मस्त स्क्रीनशॉट ले लो। तो लेट्स चूज वाटर टाइप, फायर टाइप और एक्चुअली मैं जाना चाहूँगा ये फायर टाइप थ्रिशॉट के साथ। या बॉयज आई चूज दिस पोकेमोन। ऑलराइट, तो तुमने तुम्हारा पोकेमोन चुन लिया। हाँ ओके, ए वो पोकेमोन मेरे हवाले कर दो। हाँ एक सुन बेटा, हाओ अ मिस्टीरियस मैन है। टायरेनिटार, कम ऑन टायरेनिटार, टायरेनिटार। ओके ओह माय गॉड शिट, अभी क्या हुआ? व्हाट वाज दैट मैन? ओह तो वो एक नाइटमेयर था। ओके मैं हूँ ये। ओके और ये रहा हमारा पोकेमोन। वाओ यार हमारे पास एक मस्त कैमरा है। ट्राई शॉट, ट्राई ट्राई हमारा प्यारा पोकेमोन। आई थिंक मुझे नीचे जाना चाहिए। ओके तो मैं चलना होगा क्या? ओह अब गेम में मैं चल सकता हूँ, थोड़ा रुको। दैट ट्राई शॉट पोकेबॉल, हाँ ट्राई शॉट। ठीक है लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। ओके हम इसके स्पीड का भी, इसका स्पीड अच्छा है, मेरे को ये स्पीड है। ओह तो तुम फाइनली उठ गए लड़के। ओके ओह हैप्पी बर्थडे टू फ्रेंड्स। ओह आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है, याद रखना। टू बैड तुम्हारे पापा यहाँ पे नहीं है, काश वो होते तुम्हें इतने बड़े होते फिर देख तुम जाते हो। वो तुम्हारे लिए अब्रॉड में काम करते हैं। ओके
सॉरी गाइस। डार्लिंग, व्हाट्स रॉन्ग? तुम कुछ दुखी दिखते हो। मैं और दुखी? हमने अपनी मम्मी को अपने नाइटमेयर के बारे में बताया। ओह, वेल, दैट्स टाइम हैज कम। कम सिंग विद मी। ओके, मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों से एंटरटेन तुमको करता रहूंगा। लेट्स सी। ओह, यहां पे एक विकली पफ भी है। ओह, इट्स प्रोबब्ली नॉट द बेस्ट डे, बट आई थिंक यू आर ओल्ड एंड अप्रूव फॉर दिस स्कूल, यू नो। व्हाट यू टोल्ड मी इज जस्ट अ ड्रीम। क्या ये ड्रीम नहीं था? क्या साल पहले तुम्हारे पापा ने सोचा तुम्हें बाहर लेकर जाए रेंज में? ओके, तो ये हमें वो कहानी बता रही है। ओके, मैं समझ गया। However, the day has no one come back. ओके, no problem. This afternoon, a frog knocked at door in the middle of the night. ओके. What a relief in the front room. ओके, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ मम्मी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरे पापा कह रहे हैं कि मैंने तुमने इतना लंबा समय तक तुमसे झूठ बोला। कोई बात नहीं, आप हमें ये दुख वाली बात नहीं बताना चाहते थे। डार्लिंग, तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम अपने तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसे बात कर रहे हो? You are not ready to go look for your father yet. You are still a child. Okay, sorry guys. Okay, हम बड़े हो गए हैं। Don't listen to this. There's no way in the world I'm changing my mind. If I were to lose you too, my only child, sir. माँ को, हर माँ को अपने बच्चे की फिक्र होती है। तो गाइस एक काम करते हैं ना, मैं जो मेरी मम्मी की आवाज़ है ना ये वाली गेम के फीचर के अंदर, उसको ना मैं थोड़ा चेंज करके बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये वाली आवाज़ मेरे को जम नहीं रही है। ठीक है, लेट्स ट्राई आउट। तुम अपने रूम में जाओ, मैं ऐसा ही करता हूँ क्योंकि बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं ऐसे ये वाली आवाज़ निकाली नहीं जा रही है। ओहो वाओ, ये मेरी काफ़ी पुरानी पिक्चर है मेरे मम्मा डैड की मेरे साथ। हाँ, ट्राई शॉट। ट्राई, ट्राई शॉट। मुझे लगता है ट्राई शॉट को कुछ पता है। क्या तुम ये खिड़की से कूदना चाहते हो? क्या मुझे तुम सजेस्ट करो एक बार? ट्राई 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 शॉट। पोकेमॉन भी आधे बातें समझ जाते हैं। कैसे कूदेंगे मैं? ओह, तो ये ट्राई जो ट्राई शॉट की पोकेबॉल है, मुझे ये ले लेना चाहिए। तो वो तो हम घर से भागते हैं। ओह, खिड़की तोड़ के हम भाग गए। ओके, सो फ्यू, हमने पेड़ तोड़ दिया। हाँ, ट्राई ट्राई शॉट, ट्राई शॉट। एक गेम को सेव कैसे करना है मेरे को वो जानना है। डेवियंस ऑप्शन ट्राई शॉट, वुड यू लाइक टू गिव अ निकनेम? ना, मैं अपना कोई भी पोकेमोन को इसमें निकनेम नहीं दूंगा मेरे को, क्योंकि उनके और मेरे को खुद ये सब नए नए पोकेमोन है। What the hell I will go do like that? यहाँ पे एक मिल टैंक है, let's see. No. हम अपने फार्म में चलते हैं, चलते रहते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ मिल जाए हमें क्या। हमें एक एंटीडोट मिला है। ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। ओके, तो फिर हम इधर आ गए। एक मिनट गाइस, एक मिनट। ओके गाइस, तो हम इधर तो आ गए हैं। आ गए, हमें यहाँ से जाना होगा। वैसे हम हैं काफ़ी चलाक यार, पोकेमोन भी हैं पर हम थोड़े ज़्यादा हैं। लेट्स गो, देखते हैं यहाँ पे क्या है। आई गेस यहाँ पे ही कुछ हुआ था, यही वो इंसिडेंट था जहाँ हमारे मतलब पापा के साथ हुआ था। ओके, यू शुड गो टू गिव योर रिगार्ड्स टू। ओके, तो हमें हमारी ग्रैंड मदर के पास जाना है। दादी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हे दिव्यांश, तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? तो मम्मी का बच्चा फाइनली बाहर आ गया। हाँ,
तो उन्हें काफ़ी अब जाके उन्हें रियलाइज़ हो गया होगा कि वो अपने बच्चे को कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करने पे तुली हुई थी। वेल, तुम अब तो एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, हाँ, काफ़ी सारे नए पोकेमोन के साथ, तो मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो। यहाँ तुम देख सकते हो का एक ग्रास है, यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारे अनयूजबल पोकेमोन मिल सकते हैं वाइल्ड में, पर तुम चिंता मत करो, उन्हें पकड़ने के लिए तुम्हें एक स्पेशल ग्रीम्स आता है जिसका नाम है पोकेबॉल या टेक सम। वहाँ पे वो फूजी, यहाँ पे ये, ओके या वी गॉट द पोकेबॉल मैन। ओके हाउएवर तुम अभी एक हेल्दी पोकेमोन नहीं पकड़ सकते जब तक तुम उसको वीक ना कर दो। आफ्टर हैविंग अ बैटल तुम्हें कुछ पोकेमोन के पावर्स के बारे में पता चल गया, गिव इट अ ट्राई। ओके ओ तो पहला ही बार में पोकेमोन आया, देखते कौन है हमारा पोकेमोन। ओहो गेम का ग्राफिक देखो बंदा बच्चो, देखो नो वे यार मैं विडल नहीं पकड़ने वाला, गेम का ग्राफिक अच्छा है। ओहो प्लेइंग विद पोकेमोन कितना मजा आता है ना। फर्स्ट स्टेप कुछ बोला उन्होंने मैं सुन नहीं पाया। आह योर नाना, तुम्हारी नानी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी नाना आई गेस। सो लेट्स गो गाइस आई गेस। या ओ एक मिनट यार, हमने तो अपनी ग्रैंड मदर को मेमोरी, अगर हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओ जा सकते हैं हम लोग, तो मतलब दे सकते हैं। तुम क्या, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या सोचे कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम ये, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम बिना मुझसे बोले तुम यहाँ भाग भी जाओगे? ओ शिट, मम्मी गुस्से में देख रही हमें। मैं जानता हूँ तुम अपने पापा को बहुत मिस कर रहे हो, पर मैं भी ऐसे सेम मिस कर रही हूँ दिव्यांश। ये हमारे पर इजी नहीं है कि मैं अपने एक सिंगल चाइल्ड को रेस किया है। तुम सही में सोचते हो कि कोई न्यू बाई, एक मिनट, न्यू बाई लाइक यू कुड डू मोर देन टू एडल्ट्स? ओके तुम सोच भी कैसे लिए कि तुम इतने खतरनाक दुनिया में अपने बाहर जाओगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ट्राइशॉट तुम्हारे साथ जाने के लिए एग्री हो गया? हाँ वो तो होना ही था। आई से तो तुम वो चीफ पोकेमोन की बात सुन रहे हो? हाँ तो तुम मुझे प्रूफ करो कि तुम वर्दी हो जाने के लिए ट्राइशॉट। ओके ठीक है, तो हमारा पहला बैटल हमारी राइवल नहीं हमारी माता जी के साथ होगा, और माता जी का नाम है, ओह व्हाट इज दिस बैन, एक मिनट गाइस। ओके गाइस तो वो ग्लिच था थोड़ा बहुत, नेक्स्ट एपिसोड में उसको फिक्स कर लेंगे। ओके तो उन्होंने भेजा है चिकलीपफ और हमने भेजा है ट्राइशॉट को। ट्राइशॉट गो विद एम्बर। ओके ओ शिट सोना नहीं था। ओके हम प्रूफ कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। ट्राइशॉट उठ मेरे भाई उठ, अरे भाई उठ, हम चैंपियन रह चुके यार, पर यार ये गेम में नया हो तो इतना मैं इतना पता नहीं था, कोई नहीं। ओके लेट्स वी कैन डू इट गाइस। ओके बहुत अच्छा एम्बर। ओके इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव, पर हाफ हेल्थ कम कर दिया। अगेन एम्बर, बस एक और मूव। ओके निकली पप का मूव मिस हो गया है और एम्बर करके हमने हरा दिया है अपनी मम्मी को और हम ऐसे जीत चुके हैं। फ्रेश आउट ड्यू टू लेवल 6, बहुत अच्छे बैबल सीख गया है मतलब। मैं तुम्हारी डिटरमिनेशन देख सकती हूँ राइजिंग मास्टर। हाँ ये राइजिंग स्टार होता क्या आई गेस? मैं मजाक कर रही थी, मैं अपने सन का, मैं अपने बेटे का माइंड नहीं बदल सकती, मैं समझ रही थी एक मिसिंग मैन। ओह तो दिव्यांश मुझे तुम्हारी वो, मैंने तुम्हारे अंदर वो आँख, तुम्हारी आँखों में वो आग दिख रही है,
जो तुम्हारी दुनिया की डिज़ायर को चेंज कर देगा। ओके सो बेस्ट लक। हाँ मैं भी नाना फ्लोरा सही थी, मुझे हमेशा अपने बच्चे को आज़ाद होने देना चाहिए, उसे हमेशा एक पिंजड़ में बंद करके नहीं रहना चाहिए, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके भाई प्लीज़ लेट्स गो, कन्वर्सेशन जल्दी ख़त्म। सॉरी गाइस बट यार काफ़ी टाइम हो गया इसीलिए ख़त्म कर रहा हूँ। लुक इन अ पेयर ऑफ ब्रांड न्यू शूज। ओके ओके कम ऑन पुट देम ऑन। ओके ओके एस्टर ओके मम्मी जो भी दे रही हैं समझ तो रहा, कोशिश कर रहा हूँ। ट्राइसार बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों, मैं तुम्हें मेरे बच्चे मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, थैंक्स मॉम। लेट्स गो गाइस वी कैन डू इट दिस, वी कैन डू इट। अब क्या होगा? ओके 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 अब हम दुनिया से बाहर जा रहे हैं, पर ये हम जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्योंकि अभी काफ़ी लंबा हो गया है। ओके देन ओवर। ओहो दिस इज गुड यार, और अच्छे आगे तो बढ़ो भाई। ओ माय गॉड ओके अ स्टार इज बॉर्न कंप्लीटेड। ओ तो यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ मिशंस हैं, पर ये गेम को सेव कैसे करते हैं? आई गेस यो यस यस आई वाज लाइट आई वाज लाइट कंट्रोल। हाँ सेव मेरे को करना था ब्रो, यस एंड गर्ल्स। सो या हम गेम सेव कर लेंगे। तो या गाइस टुडे इट फॉर दिस एपिसोड, होप यू लाइक द वीडियो। एक मिनट तो यार ऐ साला, तो यार होप तो करता हूँ कि तुमको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये पोकेमॉन ज़ेनोवर्स काफ़ी अच्छा गेम मेरे को तो लगा, होप तुमको भी अच्छा लगा हो। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय पीस आउट एंड फेयरवेल, और देखेंगे और भी एपिसोड्स आते रहेंगे। अगर तुम लोग ने अच्छा सपोर्ट दिखाया तो और एपिसोड्स हम लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। यस बाय बाय।